सभी का नेक्स्ट नाइन न्यूज में। मैं हूं आपकी होस्ट सुगंध और आज मैं आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है बॉलीवुड गॉसिप। दोस्तों अब आपने देखा हमारे इस प्रोग्राम का नाम ही बॉलीवुड गॉसिप है तो आप सभी को अंदाजा लग ही गया होगा कि आज मैं आप सभी को बॉलीवुड से जुड़ी एक काफी मजेदार गॉसिप से रूबरू करवाने वाली हूं। और आज हम अपने इस खास प्रोग्राम में बात करने वाले हैं बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट यानी कि आमिर खान के बारे में और विश्व सुंदरी कहलाए जाने वाली ऐश्वर्या राय बच्चन के बारे में। जी हां, दरअसल आज हम जो आपको बताने वाले हैं वो काफी ज्यादा शॉकिंग है। दरअसल हाल ही में बच्चों की तस्वीरें सामने आई और वो बच्चे थे आमिर और ऐश्वर्या के। जी हाँ, ये काफी ज्यादा चौंकाने वाला है, लेकिन ये माजरा क्या है, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये आपको पता चलेगा हमारे इस खास रिपोर्ट में और तस्वीरें भी देखने को मिलेंगी। तो फिर बिना देरी किए शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की और डालते नजर आज के हमारे इस खास रिपोर्ट पर और देखते हैं कि आखिरकार ऐश्वर्या और आमिर के बच्चों की कैसी तस्वीरें वायरल हुई है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई। बॉलीवुड में स्टार किड्स का जलवा सातवें आसमान पर है, ये तो आप सभी जानते हैं। लेकिन हाल ही में बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट यानी कि आमिर खान और विश्व सुंदरी कहलाए जाने वाली ऐश्वर्या राय बच्चन की बच्चों की तस्वीरें सामने आई हैं, जो वाकई काफी ज्यादा क्यूट है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें हाल ही में ऐश्वर्या की बेटी आराध्या की तस्वीर आमिर खान के लिटिल चैंप आजाद के संग वायरल हो रही है। दरअसल ये तस्वीरें आराध्या और आजाद के स्कूल में हुए एक प्रोग्राम की, जहां दोनों ने एक प्ले में सीताराम का किरदार निभाया। जी हाँ, बचपन में ही ये दोनों सीताराम का किरदार निभाते हुए बेहद ही क्यूट नजर आए हैं। आपको बता दें खबरों की माने तो ऐश्वर्या राय अभिषेक बच्चन की बेटी आराध्या और आमिर खान का बेटा आजाद खान धीरू भाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ते हैं। वहां बीते दिनों दशहरा के त्योहार पर एक इवेंट रखा गया था। इस दौरान स्कूल के बच्चों ने कई नाटक पर परफॉर्म किया। एक नाटक में आराध्या और आजाद ने की सीता और राम का किरदार निभाया। वही आपको बता दें फैन क्लब से जारी हुई कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। दोनों बच्चे इन तस्वीरों में ट्रेडिशनल ड्रेस में नजर आ रहे हैं। आपको बता दें आराध्या और आजाद का एक प्रैक्टिस वीडियो भी वायरल हो रहा है, इसमें वो नाटक के पहले रिहर्सल करते नजर आ रहे हैं। बता दें आराध्या और आजाद बॉलीवुड के पॉपुलर स्टार किड्स में से एक है। दोनों की तस्वीरें अक्सर फैन क्लब में छाई रहती है। आपको बता दें हर कोई दंग रह गया था कि भाई आखिरकार आमिर और ऐश्वर्या के बच्चों की तस्वीरें कैसे वायरल हो सकती हैं। दरअसल ये आमिर और ऐश्वर्या के बच्चों के स्कूल में एक प्ले रखा गया, जहां पर आमिर के बेटे आजाद ने और आराध्या ने सीता का रोल निभाया, यानी कि राम और सीता बने थे आजाद और आराध्या, और दोनों ही बच्चे बेहद क्यूट अंदाज में नजर आए। दोनों की तस्वीरें काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जिसे फैंस भी काफी ज्यादा पसंद करते हुए नजर आ रहे हैं। स्टार किड्स का जलवा वैसे भी इन दिनों सातवें आसमान पर रहता है, जितना इनके मम्मी पापा यानी कि एक्टर और एक्ट्रेस सोशल मीडिया के साथ साथ बॉलीवुड के कई बड़े तमाम सितारे हैं, तो वहीं इनके बच्चे भी कुछ कम नहीं है। इनके बच्चे भी अपने मम्मी पापा की तरह ही लाइमलाइट बटोरना बखूबी जानते हैं। और हाल ही में आमिर खान और ऐश्वर्या के बच्चों की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो वाकई काफी ज्यादा क्यूट हैं, और दोनों की तस्वीरों को फैंस इतना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। कोई तो सोशल मीडिया पर ये भी कह रहा था कि भाई छोटे सी उम्र में ही पति पत्नी बन गए हैं आमिर और ऐश्वर्या के बच्चे। यहाँ आजाद और आराध्या ने राम और सीता का किरदार निभाया, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें हो रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ फैंस ने इन दोनों बच्चों की तस्वीरों को काफी ज्यादा पसंद भी किया। वहीं अगर बात की जाए आमिर खान की फिल्म की, तो आपको बता दें हाल ही में आमिर खान की फिल्म रिलीज हुई थग्स ऑफ हिंदुस्तान, जिसमें आमिर खान के साथ कैटरीना कैफ सभी के महानायक यानी कि अमिताभ बच्चन और दंगल गर्ल फातिमा सना शेख नजर आए थे। लेकिन इस फिल्म से जितना दर्शकों को उम्मीद थी उतना ये फिल्म खरी नहीं कर पाई। वही आपको बता दें
जब से फिल्म रिलीज हुई है तभी से सोशल मीडिया पर पूरी फिल्म को लेकर काफी ज्यादा मजाक उड़ाया जा रहा है, अमिताभ बच्चन को लेकर मजाक उड़ाया जा रहा है। तो वहीं सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स ने इस फिल्म के साथ साथ आमिर और अमिताभ का जमकर खिलनी खिलाई है। आमिर खान बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहलाए जाते हैं और जैसे ही उनकी ये फिल्म रिलीज हुई तभी से आमिर खान की खूब खिल्लियां उड़ाई जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ पूरा बॉलीवुड तो उन्हें सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए दर्शकों की तो आपको बता दें दर्शक इस फिल्म से बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि ये बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म मानी जा रही थी, सबसे बड़े बजट की फिल्म मानी जा रही थी। हालांकि ये फिल्म काफी बड़े बजट की है, लेकिन जैसे ये फिल्म रिलीज हुई वैसे दर्शकों का रिस्पॉन्स काफी ज्यादा चौंकाने वाला था। वहीं अमिताभ बच्चन को एक्शन करती हुई इस तरीके से और इतने खतरनाक अंदाज पहली बार देखा गया, लेकिन दर्शकों ने अमिताभ बच्चन को भी इस फिल्म में कहीं ना कहीं नापसंद किया है। और कैटरीना कैफ को लेकर तो दर्शकों ने ये तक कह दिया कि भाई आखिरकार कैटरीना कैफ इस फिल्म में थी ही क्यों, क्योंकि कैटरीना कैफ सिर्फ और सिर्फ इस फिल्म में गानों के लिए थी और उनका इस फिल्म में ज्यादा रोल बिल्कुल नहीं है। और दर्शक काफी ज्यादा निराश हो गए आमिर खान की परफॉर्मेंस से उनकी इस फिल्म से। हालांकि फिल्म ने काफी अच्छी कमाई की, लेकिन दर्शकों के दिल में ये फिल्म अपनी एक जगह नहीं बना पाई है और इसी वजह से शायद आमिर खान और थग्स ऑफ हिंदुस्तान की पूरी टीम को काफी गहरा सदमा भी लगा है। इजाजत, क्योंकि अब वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का और इस प्रोग्राम का यहीं पर दी एंड करने का। पर आप निराश ना होइए, एक बार फिर लौटूंगी इसी प्रोग्राम के साथ और ऐसे ही कुछ दिलचस्प बॉलीवुड से जुड़ी तमाम मजेदार गॉसिप के साथ। तब तक के लिए आप बॉलीवुड की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज को।